गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स. अंडर बॉन्ड पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी. टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, अबाउट द क्वांटम नंबर्स, हाइब्रिडाइजेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स. Let us move. What are bond parameters? Covalent bonds can be characterized on the basis of several bond parameters, such as bond length, bond energy, bond order, and bond angle. Bond energy is also known as bond enthalpy. So, covalent bond ka characterization, hum bond parameter ke ispe कर सकते हैं, और वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर. एंड दीज बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ इनसाइट इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड कंपाउंड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड होल्डिंग इट्स एटम टुगेदर. अब ये जो पैरामीटर्स है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑकर्स or it is based on the several factors, but it all depends on the, these are the characteristics of covalent bonds. जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपके सिलेबस में है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एंथैल्पी. अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ. इट इज़ द, यहाँ जी चाहिए था, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल. दो एटम्स के बीच में के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, दो एटम्स के इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ, एंड ईच एटम ऑफ बॉन्डेड पेयर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ. इट इज एक्सप्रेस्ड इन एमस्ट्रॉन्ग और पिकोमीटर, और एंड इट इज डिनोटेड बाई ए स्टार बॉन्ड लेंथ या पीएम. ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैसे डिनोट किया जाता है, ए स्टार से, और पिकोमीटर दैट इज पीएम. सिमिलरली इन अ कोवालेंट कंपाउंड बॉन्ड लेंथ इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द कोवालेंट रेडियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैसे ऐड किया जाता है या उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो बिटवीन द कोवालेंट रेडियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स. The covalent radius is half of the distance between the two similar atoms joined by a covalent bond. Covalent radius kya hota hai? The distance between the two similar atoms joined by covalent bond. Half the distance. Okay, yahan pe aap dekh sakte ho, yahan pe. Half the distance of the two covalent radii. Okay? Similar, and that are bonded together by a single bond. So, ye ek atom ka covalent radii and dusre atom ka covalent radius, that is the distance between the two nuclei to form a covalent bond is nothing but bond length. Dusra definition hai, the bond length refers to the distance between the center of the nuclei of the two bonded atoms in an equilibrium position. Stronger the force of attraction in between the bonding atoms, the smaller is the length of the bond. Agar उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर. एंड हाउएवर द बिगर द एटमिक साइज द लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ. अगर एटम की साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है. एन इलस्ट्रेशन डिस्क्राइबिंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in terms of the sum of the individuals of covalent radii of the participating atom is provided above. This bond parameter can be experimentally determined via following techniques. अब bond length किस प्रकार हमें determine कर सकते हैं, तो several parameters है, that is rotational spectroscopy, X-ray diffraction, neutron diffraction. Bonded atoms tend to absorb thermal energy from their surroundings and constantly vibrate, and this vibration causes bond length to vary. Several vibrations develop hote hai and it create the, that is this vibrations carries a
इसके कारण बॉन्ड लेंथ वैरी होता है. ठीक है, नाउ बॉन्ड एंगल. अब बॉन्ड एंगल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अराउंड द सेंट्रल मेन. यानी बॉन्ड एंगल के लिए सेंट्रल मेटल सेंट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम बहुत इंपॉर्टेंट है और एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स ओके बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द शेप. फॉर एग्जाम्पल HOH. अब सेंट्रल एटम से जो एंगल बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द टू दैट इज द टू एटम्स फ्रॉम द सेंट्रल एटम इज नथिंग बट बॉन्ड एंगल. और डेफिनेशन देखेंगे कि बॉन्ड एंगल कैन बी डिफाइन एज द एंगल फॉर्म बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स. ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल फॉर्म बाय द टू कोवेलेंट बॉन्ड्स फ्रॉम दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एटम. यानी सेंट्रल एटम से निकले हुए दो कोवेलेंट बॉन्ड उसमें जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, जो एंगल फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे. ठीक है, अब बॉन्ड एंगल के फैक्टर्स अफेक्टिंग ऐसे है. बॉन्ड एंगल क्यों इफेक्ट होता है? ठीक है, बॉन्ड एंगल हर एक मॉलिक्यूल का सरीका नहीं होगा. उसको फैक्टर्स अफेक्टिंग है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर बॉन्ड कोई एटम में इफ देर आर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा कि बॉन्ड एंगल वैरी करेगा एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल विच इज ऑफ नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे मीथेन है, H2 है, NH3 है. तो अब अगर हमने ये एग्जाम्पल्स देखे तो इसमें आप देखोगे कि H2O अमोनिया इनमें क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो जहाँ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो लोन पेयर्स इज अ नेगेटिव एनर्जी. सो वो क्या करेगा, वो सेंट्रल एटम को बाइफर्केट करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा. इसीलिए जो नॉर्मल अगर हम लोग बॉन्ड एंगल लेंगे किसी मॉलिक्यूल का जहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या करेगा, इट विल डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल एंगल. ओके, इट विल डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल एंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. अगर